सुजी आज एक और नया कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं जो कि मारवाड़ी एजुकेशन फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब इस कॉलेज के क्या हाईलाइट्स है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट क्या है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे होंगे। सो आप में से जो भी व्यूअर पहली बार चैनल पर है तो मेक श्योर ये सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। एंड बता दूँ वैसे कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कॉलेज रिगार्डिंग एडमिशन हो गया, कुछ भी हेल्प चाहिए, आप बेहिचक इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जा रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस कॉलेज के जो हाईलाइट है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए जो प्लेसमेंट है 100% प्लेसमेंट होता है नॉन कोर का, मैं इसको लिख दे रहा हूँ नॉन कोर का, ना कि कोर डिपार्टमेंट का। ठीक है, कोर डिपार्टमेंट जिसका प्लेसमेंट लाइक मैंने जो देखा है जो भी वेबसाइट्स वगैरह एक्सटर्नल सोर्सेज है, ठीक है, वहाँ पर आपको 70-80% ही बच्चों ने मेंशन कर रखा है उनका फीडबैक में। ठीक है, बट हाँ आपका नॉन कोर की बात करें तो 95-100% प्लेसमेंट हो जाता है। अब देखो कहीं कहीं पर आपको 200 प्लेसमेंट 300 प्लेसमेंट लिखा रहता है, तो उसके अंदर ये होता है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल जॉब एक्वायर कर रखता है, तो ऐसा होता है। ठीक है, बाकी बात करते 1500 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइक प्लेस्ड हो चुके हैं 51 कंट्रीज में। ठीक है, एंड 10,000 स्टूडेंट ऑन कैंपस परसुइंग द करियर ऑफ द चॉइस विद पर्सनलाइज एजुकेशन, तो काफ़ी अच्छा बात है। 38 प्लस लैब्स है एंड टॉप 480 कंपनीज लाइक अमेजन, गूगल, IBM, TCS, सीमेंस, ये सब विजिट करती है। अब देखो बता दूँ यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप तो देख रहे हो लाइक अमेजन हो गया, गूगल हो गया, तो यहाँ पर डिपेंड करते हैं क्या रोल मिल रहा है। ठीक है, लाइक आप डिफरेंट रोल्स होते हैं ना, तो उसके हिसाब से आपको दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि अमेजोन है तो आपको 40 या 45 LP देगा, मे बी वो 15 LP दे सकता है या 12 LP दे सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट क्या पोजीशन है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम आपको 40+ LP मिल ही जाएगा। बाकी देखो जो कॉलेज है कि काफ़ी नया है, इस्टेब्लिश आप देख सकते हो 2016 में ही है। जो एरिया है कैंपस का 23 acres है। सबसे अच्छा बात है NAC ग्रेड इसका A+ है। ठीक है, एंड सच लोकेशन एकदम एग्जैक्ट गुजरात में, आपको सिटी नहीं पड़ेगा, राजकोट में। अब यहाँ पर कई सारी कोर्सेज ऑफर की जाती है लाइक BTech हो गया, MBA हो गया, BBA, BCA, MCA, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, BBT, BCom, वैसे जिस भी कोर्स आप करना चाहते हो, जो भी रेस्पेक्टिव ब्रांच करना चाहते हो, कुछ अगर हेल्प चाहिए आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सब कुछ आपको हेल्प दे दिया जा रहा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या एलिजिबिलिटी है बात करें BTech के लिए। ठीक है, तो देखिए BTech के लिए 10+2 होना चाहिए आपको साइंस में। ठीक है, मतलब साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, मिनिमम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए आपका ST, SC या OBC मान के चलिए उस कैटेगरी से हो। ठीक है, एंड लाइक JEE आप अगर दियो तो अच्छा बात है, वैसे आप JEE अगर नहीं भी दियो तो डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर होता है, करवा सकते हो। बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो कि फीस स्ट्रक्चर में अटैच कर दिया हो। ठीक है, यहाँ पर डिटेल फीस स्ट्रक्चर लाइक मेंशन कर दिया गया हर एक ब्रांचेस का BTech का, लाइक मैकेनिकल का क्या फीस है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, ठीक है, आपका जो भी लाइक स्पेशल ब्रांचेस जो आगे लाइक CSE AI है स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस, ठीक है, तो इनके क्या फीस है सारा काफ़ी डिटेल बता दिया गया। बाकी जो और भी कोर्सेज है उसका फीस लिख दिया गया, तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मेंशन कर दिया गया ड्राइव लिंक। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी देखिए कॉलेज का जो प्लेसमेंट है हाइस्ट पैकेज लाइक 34.5 lakhs है एंड जो एवरेज पैकेज है वो 5-6 lakhs है। अब 5-6 lakh देखो बता दो ये नॉन कोर का है ये भी। ठीक है, लाइक मैक्सिमम बच्चे नॉन कोर ही परस्यू कर रहे हैं, इसमें नॉन कोर का मेंशन कर रखा हूँ। बाकी अगर कोर डिपार्टमेंट आप इंक्लूड कर देते हो तो मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ, इसका जो प्लेसमेंट है आपको लाइक 4-4.5 ही मिलेगा अगर कोर डिपार्टमेंट की बात करें तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि कोर डिपार्टमेंट भी जो है वहाँ पर जो स्टूडेंट है वो भी ट्राई करता है IT कंपनी अप्लाई करने का, सूरज को पैकेज अच्छा मिले, तो अल्टीमेटली मैक्सिमम स्टूडेंट डिपेंड रहता है IT कंपनी पर ही। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा फैक्ट है। बाकी देखो हाइस्ट पैकेज में मत जाओ, आप एवरेज पैकेज को ही देखो कि एवरेज पैकेज क्या, उस हिसाब से आपको प्लेसमेंट मिल रहा होगा। एंड देखो यहाँ पर जो इंटर्नशिप्स है मतलब प्रोवाइड की जाती है, हेल्प की जाती है, बट वैसे भी हाई फाई नहीं, बट हाँ आपको कुछ हद तक मदद मिलेगा आपका थर्ड ईयर में। ठीक है, थर्ड ईयर में अगर इंटर्नशिप क्रैक कर भी लेते हो आपको PPO मिलता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर, लाइक आपका जो भी फोर्थ ईयर कंपनी आएगा तो वहाँ पर प्लेसमेंट पर बैठना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। तो कुछ ये डिटेल्स हैं, आई होप आपको समझ में आए सब कुछ। वैसे कुछ भी डाउट है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड नेक्स्ट कौन सा कॉलेज रिव्यू चाहिए आप प्लीज़ वो भी कमेंट कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगा जो भी कुछ कॉलेजेस है एक शॉर्ट आपको कॉन्साइज वे में रिव्यू दे देने का।